श्रेष्ठ में ही सर्वश्रेष्ठ, सरलता के प्रतीक, सादगी के प्रतिमूर्ति, एक ऐसा व्यक्ति बेबाक, निडर, मानवता के लिए भी अनवरत सोचने वाले, राजनीतिक जीवन में कंप्लीट रूप से सुचित्रता के साथ अपने जीवन काल के अंतिम क्षण तक चेहरे बेता है, चेहरे बेते न भूतो न भविष्यते, अनमोल, बेमिसाल। बिहार के राजनीतिक जीवन में मिनी लोहिया के रूप में संघर्ष के प्रतीक और बिहार से भारत को गौरवान्वित करने वाले एक व्यक्तित्व हम सब के बीच ना रहे। लगातार हमारे जैसा व्यक्ति अनुकरणीय करने वाला, जिन्होंने कई बार रघुवंश बाबू के नेतृत्व में चलने का मौका भी मिला और अंत में हमारी इच्छा थी रघुवंश बाबू बिहार का नेतृत्व करें। कई बार हम मिले और यह इच्छा भी जाहिर की, लेकिन रिश्तों के प्रति प्रतिबद्धता, दृढ़ता और विचारों के प्रति समर्पण व्यक्ति, कुर्सी के लिए ना हिलने वाला व्यक्ति, आज ईश्वर और परमात्मा के गोद में चले गए। वर्तमान राजनीतिक जीवन में उनका रहना मूल्यों और आदर्श पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी क्षतिपूर्ति। आज जो राजनीतिक जीवन में जो प्रवेश है उन्मादियों का, नफरत का, सांप्रदायिकता का, जातिवादियों का, उससे काफी दूर, कभी नहीं थकने वाला और सेकुलरिज्म पर कभी समझौता नहीं करने वाला हुआ व्यक्ति कर्पूरी जी, जेपी लोहिया, गांधी के विचारों का अनुकरण करने वाला वह व्यक्ति सब कुछ देकर चले। हमारी पूरी पार्टी और हम और मेरा परिवार, हृदय से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो मानवतावाद के लिए राष्ट्र का जो एक संदेश, समाजशास्त्र के रास्ते के माध्यम से जो राजनीति का संदेश और बिहार के विकास के प्रति जो उनका समर्पण था, उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं और एक मूल्य और आदर्श के पथ पर चलने का संकल्प लें, यही श्रद्धांजलि होगी। राजनीतिक जीवन में अपराध का, माफियाओं का, बल का, पूंजीवाद का प्रवेश शायद उनकी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो दल उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनके आचरण, चरित्र और चिंतन, विचार के साथ चलने का संकल्प लें। धन्यवाद पुनः एक बार उस पूरे परिवार मेरी ओर से नमन, जिनको वो छोड़ के गए, और उनके चाहने वाले को बहुत बहुत प्रणाम। इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, समर्पित हैं, पल पल आपके साथ रहेंगे और उस मूल्यों को जिंदा रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। नमस्कार।